गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग सिंथेसिस का नाम जानते होंगे। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं उन्हें पता है, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है। अब सिंथेसिस होते क्या है? तो ये सिंथेसिस का अर्थ होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस सेंटेंस कहलाता है। और ये सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इनको तीन प्रकार से जोड़ करके सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम ये सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस जिन वाक्यों में केवल एक फिनिट वर्ब होती है। अब फिनिट वर्ब क्या होती है? फिनिट वर्ब वह वर्ब होती है जिसका सब्जेक्ट, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। यानी यदि सब्जेक्ट बदल दिया जाए तो वर्ब भी बदल जाती है। जैसे ही गोज टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गो हुआ। इसलिए फिनिट वर्ब जिन वाक्यों में एक ही फिनिट वर्ब होती है उन्हें सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि इसको कितने प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसको निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। नंबर एक, हाँ तो देखें सिंपल सेंटेंसों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यूजर पार्टिसिपल। सेकंड, इन्फिनिटिव का यूज करके। तीसरा, जीरेंड या नाम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। फ्रेस इन अपोजिशन का प्रयोग करके। एब्सोल्यूट फ्रेस या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। एडवर्ब का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का प्रयोग करके तथा कंजंक्शन का प्रयोग करके। ये आठ प्रकार से सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम ये सीख रहे हैं वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाएगा। तो इनको जोड़ने के लिए ये आठ प्रकार हैं। अब पहला प्रकार आता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पार्टिसिपल का प्रयोग हम अभी बताएंगे। देखिए पार्टिसिपल सबसे पहला था। तो ये पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। कोई भी वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे लेकिन वह नाउन का काम करता है तब उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे सी प्लस आईएनजी पल्लू सींग, तो सींग जब हम कहीं सेंटेंस में अगर ऐसा सेंटेंस बोल देंगे ही इन सींग अ वर्ड, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएं, पहला सेंटेंस ही सा ए टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। अगर हमें इनको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम पहले इसकी हिंदी निकालते हैं। बगैर हिंदी के सेंटेंस गलत भी हो सकता है। तो ही सा अ टाइगर, उसने एक टाइगर देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। हिंदी में हम जोड़ेंगे तो होगा टाइगर को देख करके वह भाग गया। जब हिंदी में हम सेंटेंस जोड़ते हैं तो अक्सर उसमें करके शब्द निकलता है। सीइंग अ टाइगर, इस सा को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, टाइगर देख करके वह भाग गया। यहाँ पर देखने की बात यह है फिनिट वर्ब केवल टाइगर, ही सीइंग अ टाइगर, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही रैन अवे, ये है फिनिट वर्ब। एक सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, रैन अवे आपकी फिनिट वर्ब है। सिंपल सेंटेंस की ये पहचान है, इसको ध्यान दिमाग में बहुत जरूरी है रखना कि जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट
एक वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम केवल पार्टिसिपल के बारे में इतना बताया और कल हम इसके और आगे बताएंगे। आज इतना ही।